नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना, इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। इंडिया स्पीक अपना शहर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जब बने थे तब भी कहा था कि भू माफिया एंटी फोर्स का गठन करा गया था, जिससे प्रदेश में जो भी भू माफिया लोग सक्रिय हैं उनको बंद करा जाए और उनकी हस्तक्षेप बंद करा जाए। उसी कड़ी में जिला प्रशासन पीलीभीत ने भी कार्रवाई करी, कई भू माफियाओं के ऊपर गैंगस्टर लगाए। लेकिन हाल ही में एक मामला सामने आया है, हमारे साथ में है सुरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उन्होंने बताया है कि एक भू माफी सक्रिय है, लेकिन जिला प्रशासन की बात करें तो उस मामले में जिला प्रशासन शून्य हो गया है। बात करते हैं सुरेंद्र गुप्ता जी से। पीलीभीत जनपद वासियों को मैं अपना नमस्कार कहता हूँ, सब अधिकारीगण और पत्रकारों को भी। मेरे साथ एक वर्तमान में एक समस्या आ गई। मेरी एक पारिवारिक खानदानी जगह जिसकी रजिस्ट्री 1932 से हमारे परदादा के नाम है, जो जाटों के चौराहे पे बड़े बस रोडवेज बस स्टैंड के सामने सड़क से जाती है, फाटक लगा है। कुछ बहुत दिनों से इस पर मुकदमा चल रहा था पारिवारिक कि इसका मालिक कौन है, और इसी विवाद को लेकर हम सिविल सीनियर डिवीजन में हमने एक बात डाला और वहां से सारे कागजात लगा के वहां से हमें 11/12/2019 को स्टे मिल गया, जो स्टे चल रहा है। उसमें उन्होंने जब ये एक भू माफिया गैंग जिसमें वो हिस्ट्री सीटर हैं जो गैंगस्टर में भी नामजद हुए हैं, भू माफियाओं में भी नामजद हुए हैं, उन्होंने जो हमारा दूसरा पक्ष था, विपक्ष था पारिवारिक, उससे साठगांठ करके एक बात डाला मिलके, और ये जगह माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ एक मुकदमा डाला और उसका जजमेंट सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने 23/6/2020 को करा, जबकि उस समय हमारा स्टेट था। और उस भू माफिया गैंग को जिसके नाम महेश चंद है और माधो टांडा के रहने वाले हैं, और उनके लड़के भूपेंद्र, उनके भू माफिया उनके साथी भूपेंद्र सिंह, नवनीत सिंह, सोमवीर सिंह और क्या कहते हैं दुर्गा चरण जी जैसे भू माफिया लगे हैं। उन्होंने स्टे के बाद भी ये मुकदमा एक बार पिछले सिटी मजिस्ट्रेट के सामने कैंसिल भी हो चुका है। इन्होंने आगे उसे दोबारा खोला उनके कहने से, और 23/6/2020 को उसका पजेशन महेश चंद सिंह को दे दिया, कब्जेदार बना दिया, और उस फाटक पे जो 145/40 में ताला लगा था वो भी खुलवा दिया। जिस दिन से ये ताला खुला है, हमें जानकारी इसकी हुई 2 सितंबर को जब ताला खुला, तब हमने जाके 5 सितंबर को अपने कागजों के साथ माननीय जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट और कोतवाल को एक रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट दी कि साहबी भू माफिया इस जगह पे कब्जा कर रहे हैं, यह है। पर किसी ने हमारी उस कार्रवाई पे ध्यान नहीं दिया। जिलाधीश महोदय ने जरूर तहसीलदार को आदेश करा और उन्होंने मौके पे जाके मायना करा, जमीन प्लाट पूरा खाली पड़ा था, उन्होंने नापा और नापने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो ये दी कि इसमें गाढ़ा संख्या 476 में जो सिविल जज के यहाँ से स्टे आर्डर हुआ है, उसमें जो जमीन है, जो चौहद्दीय हैं, वो गाढ़ा संख्या 476 की है। इसके बाद जब हम लिखा पढ़ी करते रहे और भू माफिया उसी दिन से खुलेआम दिन रात वहां पे बिना नक्शे पास कराए
दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। इसका हमने पर्सनल निवेदन जिलाधीश महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को 24 तारीख को जो गांधी स्टेडियम में फंक्शन था उसमें पर्सनली मिलकर कहा भी कि साहब वो तैयारी कर रहे हैं, वो लिंटर डाल देंगे, उन्होंने क्या देखेंगे। पर उन्होंने उसी रात को खुलेआम उन दुकानों पे बिना नक्शा पास कराए लिंटर डाल दिया और दो दो दुकानों पर डाला है और वर्तमान में भी खुलेआम वो लिंटर डाल रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, ना कोई कुछ कह रहा है और इस तरह से मेरी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। इसकी मैंने स्टे की अपील भी हाई कोर्ट में कर रखी है जिसका जजमेंट भी आने वाला है 2-4-6 दिन में। पर बिना नक्शे के विवादित जगह तो है ही, मुकदमा चल ही रहा है, पर बिना नक्शे के शहर के बीचों बीच इतना बड़ा निर्माण हो जाना बहुत बड़ी प्रशासन के लिए भी और आम जनता के लिए शर्म की बात है।